कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता के अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद एक महिला अधिवक्ता के आपत्तिजनक वीडियो ने मेरठ में सनसनी फैला दी है। मेरठ के अधिवक्ताओं के मोबाइल में यह वीडियो इधर से उधर मंडरा रहा है। इसके बाद महिला अधिवक्ता ने एक ऑडियो जारी कर अधिवक्ताओं से मदद की गुहार लगाते हुए कहा है कि उसे उसके ही पति ने फंसा दिया है। दूसरी शादी कर चुके पति गोपाल गुप्ता उर्फ अब्दुल्ला ने ही उस युवक संग महिला अधिवक्ता को कहीं का न छोड़ने के लिए यह साजिश रची है। महिला अधिवक्ता ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए FirstBite.tv को बताया कि उसका पति हिंदू है लेकिन मुस्लिम बनकर अब हरिद्वार में रह रहा है। धर्मांतरण के आरोपों से घिरे मौलाना कलीम सिद्दीकी के संग वह कई हिंदू युवतियों का धर्मांतरण भी करा चुका है। पीछा छुड़ाने के लिए अब उसने यह साजिश रची है। उसका पति शाहजहांपुर का निवासी है और गुप्ता परिवार से है। वो बोले मुस्लिम भाई ने महिला अधिवक्ता की शादी गुप्ता से कराई थी। इसका खुलासा बाद में हुआ। अब वीडियो वायरल करके मेरा पूरा जीवन व करियर बर्बाद कर दिया गया है। अब सुनिए वह वीडियो जो महिला अधिवक्ता ने अपने साथी अधिवक्ता को वायरल किया है। मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि आप सब लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप में से मुझसे सिर्फ एक ही बंदे ने फ़ोन करके पूछा, मेरी परेशानी पूछी। मेरे पति ने मुझे बहुत ही बड़ी प्लानिंग का शिकार बनाया। उस मेरे पति ने मेरी जानकारी के बाहर दूसरी शादी कर रखी थी और वो बात मुझे पता चली। मैंने झगड़ा किया, उस बीच में उसने मुझे जान से मारने की पूरी प्लानिंग करी जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है और उसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा पीटा, खूनम खून कर दिया उसने मुझे। मैं अनजान शहर में, वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, वो मुझे हरिद्वार लेके चला गया था ये कहकर कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। पिछले 2 साल से वो मेरे साथ नहीं रह रहा था, सिर्फ मुझसे फ़ोन पे बात करता था, कभी कभी आता था। और उसने उस बीच में इस लड़के को मुझसे बात करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरा लिंक भेजा। पता नहीं कैसे करके उसने मुझे सोशल मीडिया पर बात की। धीरे धीरे उसने मुझसे दोस्ती की, हमदर्दी की मेरी और उसने पूरी जो भी इन लोगों की प्लानिंग थी वो उसको सक्सेसफुल करने के बाद मेरी वीडियो पता नहीं किस तरीके से उन लोगों ने बनाई और ये वीडियो वायरल कर दी सब जगह। और मेरे पास इस टाइम सुसाइड के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और जबकि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी और मुझे पता तक नहीं होने दिया। जब मैंने इन सब चीज़ों का विरोध करा तो इन तीनों ने मिलकर मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश करी, मुझे बहुत बुरा मारा था। और इस लड़के ने सारी वीडियो बना के उसको भेज दी और उसने सारी वीडियो कचहरी में वायरल कर दी। और ये वीडियो किस लड़की ने वायरल करी है वो भी मुझे पता है और मेरे हस्बैंड ने किस किस को वीडियो भेजी है वो भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। और मेरे हस्बैंड ने और उसकी दूसरी बीवी ने इस लड़के से क्या क्या बातें करी हैं चैटिंग पर वो भी है मेरे पास। इन लोगों ने मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसाया, मुझे बदनाम करा, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैंने सिर्फ इस लड़के पे भरोसा किया था। मुझे ये नहीं पता था कि ये लड़का मेरे ही हस्बैंड का हायर किया हुआ है या इसका दोस्त है। और इस लड़के के बारे में जब जानकारी पता लगी तो इस लड़के का यही काम है, ये शादीशुदा लड़कियों को फंसाता है, उनसे पैसे भी ऐंठता है और इसी तरीके के इसके काम है। सारे सबूत भी इसके खिलाफ मेरे पास हैं। इस लड़के ने मुझे नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता, ये मुझसे कोई बात नहीं किसी तरीके की करता, ना मैं अब इससे कोई बात करती। और मेरी कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई है इस लड़के के खिलाफ, मैंने सिर्फ एक FIR दर्ज कराई है IT Act में जिसमें मेरा पति और उसकी पूरी फैमिली है और वो हरिद्वार से हुई है। और यहाँ मेरी पूरी वीडियो वायरल कर रखी है इन लोगों ने, मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल कर दी। देखने से सबको गलत ही लग रहा होगा लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष KP शर्मा से जब FirstBite.tv ने बात की तो उन्होंने यह जानकारी दी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, मैं सर रवि शर्मा बोल रहा हूँ FirstBite से। जी 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 सर, एक अधिवक्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, वो है आपकी जानकारी में? हाँ मेरी जानकारी में है, मेरे पास लिख कर रिपोर्ट आ गई है। हाँ। और मैंने उसको, लड़का तो हमारी पहचान में नहीं आया, कहाँ कहाँ है कौन नहीं, मगर वो लड़की हमारे यहाँ की मेंबर है, उसे मैंने 3 दिन का नोटिस दे दिया और प्रेस को
नोट भी दे दिया है मैंने है, और तीन दिन बाद फिर उसको हम बार काउंसिल को रिक्वेस्ट करेंगे उसको निकाल दें और अपने यहाँ से तो हम निकाल ही देंगे। किसे? उस लड़की को? यस, उस लड़की को हमारे यहाँ मेंबर है। हाँ। भाई लड़की मेंबर है हमारे यहाँ, लड़के का हमें पता नहीं चल रहा कौन है, तो लड़के का पता चल जाएगा उसको भी करेंगे अगर वो एडवोकेट है वास्तव में, क्योंकि हमें अभी तक उस लड़के का नाम का पता नहीं चल पा रहा, हमारे यहाँ बार में उसका नंबर है नहीं है, फोटो हमारी नजर नहीं आ रहा, तो सर्च कर रहे हैं कि वो ही बैठ पर। अच्छा, तो आप जब हमें उसका पता चल जाएगा अगर वो हमारे यहाँ का मेंबर होगा तो यहाँ कर रहा है, होगी कलेक्ट्रेट का होगा तो वहाँ कर रहा है। अच्छा, तो आपने नोटिस दिया है इसको, लड़की को? लड़की को नोटिस दे दिया है हमने आज। अच्छा, तो और उसके घर पे, उसके घर पे रजिस्ट्री करा दी है, ऑफिस में उसके चस्पा करा दिया है और अपने नोटिस बोर्ड पे उसको लगवा दिया है। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार भाई। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा यह नोटिस जारी करने के बाद पीड़ित महिला ने इस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उसका कहना है कि पीड़ित वह है और उसी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, वह इस बारे में अपील करेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन ने आपको एक नोटिस जारी कर दिया है? बिल्कुल, वो नोटिस बिल्कुल गलत है। मैं सेक्रेटरी ने उस पर साइन नहीं करे हैं, सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने मना कर दिया, मैं बिल्कुल भी बाहर से नहीं निकालूंगा ना मैं साइन करूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ घटना हुई है, तुम पीड़ित हो। अध्यक्ष ने नोटिस जारी करा है, अध्यक्ष को मेरी सच्चाई कुछ भी नहीं पता अभी ना, उन्होंने मुझसे बात करी तो अध्यक्ष से मैं फोन पर बात करूंगी पहले कि बाबूजी आपने बिना जाने ये नोटिस जारी क्यों करा, आपको पता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या घटना कारित हुई है, और आपने ये नोटिस उस लड़की के कहने पर जारी कर दिया जो कि मेरा विरोध कर रही है लड़की, और उसने ही मेरी वीडियो वायरल करी है कचहरी में। जब मैंने बातें करना शुरू करी है ग्रुप में तो सभी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि हम सब साथ हैं और तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है हम सब उसका FIR कराएंगे, मतलब वही सारी बात है, क्योंकि सच्चाई है, क्योंकि पीड़ित मैं हूँ ना, गलत ब्लैकमेल मैं हुई हूँ, ब्लैकमेल मैं हुई हूँ, मैंने ब्लैकमेल नहीं करा किसी को, मैं ब्लैकमेल हुई हूँ और मेरा ये सुसाइड वाला मुकाम आ गया है, इनने मेरा सुसाइड वाला मुकाम लाके खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।